सो गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज के इस व्लॉग को और दिखाता हूँ आपको कि नेशनल रेल म्यूजियम कैसा दिखता है, कितना अच्छा दिखता है। कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट सभी लोकोमोटिव को आपसे जानकारी दे दूँ, काफ़ी सारे लोकोमोटिव के बारे में आपको बताऊँ। तो लेट गेट स्टार्ट द व्लॉग विद द सिनेमैटिक शॉट्स। तो गाइज अभी मेरे दोनों साइड यहाँ पे लोकोमोटिव्स हैं। मेरे इस साइड जो लोकोमोटिव हैं ये हैं ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव, और मेरे जो इस साइड लोकोमोटिव्स हैं ये हैं मीटर गेज वाले लोकोमोटिव। जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गया मेरे पीछे एक स्टीम लोकोमोटिव, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं एक YDM को और साथ ही साथ एक और स्टीम लोकोमोटिव को। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा वाला लोकोमोटिव है, थोड़ा सा आगे जाके पता लगेगा ठीक से हमें। तो ये रहे दोनों लोकोमोटिव। तो दोस्तों ये जो चीज अभी आप देख पा रहे हैं अपने सामने, इसको कहते हैं शंट सिग्नल। आजकल तो हम शंट सिग्नल अलग टाइप के देखते हैं, बट इसको कहते हैं डिस्क शंट सिग्नल। लेट्स सी ये रोटेट होगा या नहीं होगा। नहीं, हाँ हमसे तो ये रोटेट नहीं होने वाला, बट कुछ इस टाइप के जो है शंट सिग्नल रहते हैं। एंड ये जो ट्रैक आप देख पा रहे हैं, इस ट्रैक ये एक्चुअली यहाँ पे मोनोरेल चलती है उसका ट्रैक है। एंड अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा करके देखें, टॉय ट्रेन का ये ट्रैक है और ये कपलिंग है इसकी। एक्चुअली हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अभी हम लोग, क्योंकि ये सेटेड है प्रॉपर। थोड़ी सी और आगे चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये है स्टॉक रेल। मैं अभी आपको जस्ट ये जो ये वाली जो रेल है ना, सेकंड जो 60वीं रेल बनी है, दिस इज नोन एज स्टॉक रेल। और गाइस ये जो मेरे पीछे आप लोकोमोटिव देख रहे हैं ये L2, एक्चुअली ये लोकोमोटिव इंडिया का लोकोमोटिव नहीं है, मतलब ये लोकोमोटिव ब्रिटिश लोको कंपनी जो होती है उसने बनाया था। एंड जो मेरे पीछे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज NWR। ऐसा कुछ दिखता है अंदर से एक लोकोमोटिव, ये कुछ इसके कंट्रोल्स होते हैं एंड ये हमारा अगेन। सो गाइज एक और लोकोमोटिव दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये क्रेन है, ठीक है, मतलब कभी भी रेस्क्यू वगैरह होता है तो उसमें काम आता है। एंड हमारे पीछे यहाँ पे जो है ये एक YDM लोकोमोटिव है, नहीं YDM नहीं, ये WDM होगा, WDM2 लोकोमोटिव है। ये आजकल यूज नहीं होते हैं, ठीक है। देखो कटनी साइड का, और स्पेशली बताऊँ ये जो ट्रैक है ना नीचे, यहाँ पे जो ट्रैक है, इस ट्रैक की खासियत क्या है कि ये ब्रॉड गेज ट्रैक है, जिसमें हमने बांग्लादेश की जितना जो मीटर गेज था ना, मतलब दोनों थे, ब्रॉड भी था मीटर भी था, वो वाली चीज़ यहाँ पे करी हुई है। अभी आई थिंक टॉय ट्रेन आ रही है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। गाइस ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की, ये है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। एक्चुअली जब भी ट्रैक को हमें टेस्ट करना होता है कि वो प्रॉपरली फ्लैट है या फिर नहीं है, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम इस कार के मदद से, जो आप मेरे पीछे साइड में देख पा रहे हैं इधर, इस कार के मदद से हम लोग टेस्ट करते हैं उसको और देखते हैं कि वो, मतलब कि जो ट्रैक है वो फ्लैट है, उस पर कोई क्रैक्स तो नहीं रह गए बनाते वक्त, उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं रह गई बनाते वक्त, ये सब जो है हम इस चीज़ से टेस्ट करते हैं। और गाइज सबसे अनोखी बात जो मुझे इस ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की लगी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर 3 बोगीज़ हैं। जनरली हमें 2 बोगीज़ वाला सेक्शन दिखता है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 बोगी वाला सेक्शन नज़र आ रहा है। दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। और दिखाता हूँ कुछ और लोकोमोटिव देखने चलते हैं फटाफट से ज़रा। मेरे इस तरफ थोड़े से लोकोमोटिव हैं, वैसे आई होप कि वाइड एंगल शॉट आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मज़ा बड़ा आएगा आज की वीडियो में। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ऐसे व्लॉग में और लाता रहूँगा आपके लिए। तो गाइज अभी हम लोग ना यहाँ पे एक्चुअली नीचे पटरियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, इन पटरियों पे खड़े हुए थे, सामने से एक फ्रेट पास हो रही थी। यू डोंट बिलीव कि वो फ्रेट ट्रेन, अब बात करता हूँ। तो दोस्तों आई थिंक, तो दोस्तों यू डोंट बिलीव कि हमारे सामने से जो मैंने अभी आपको बताया फ्रेट पास हो रही थी, हम लोग यहाँ इन पटरियों पे खड़े हुए थे, ये जो नीचे आप पटरियाँ देख सकते हैं मेरे नीचे पटरियाँ हैं, इन पटरियों पे खड़े हुए थे, तो
कम से कम 50 मीटर से ज्यादा दूर है ट्रेन मेरे से, और ये ट्रैक यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे थे इनके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। इंटरेस्टिंग ना। अब मैं आपको एक सेक्शन दिखाता हूँ इन लोकोमोटिव के अंदर, जो कि है लेजेंडरी लोकोमोटिव, मतलब कि इन्होंने इंडियन रेलवे के इतिहास में बहुत तगड़ा काम किया है, वेरी। और मेरे पीछे आ गई यहाँ पे टॉय ट्रेन। एक्चुअली ये जो वो है लोकल है, इसको फ्लैट बेड पे बनाया गया, फ्लैट बेड लोकल है ये। आप देख सकते हैं कि मैं आपको बिल्कुल साथ साथ राउंड दिखा रहा हूँ इसका, ये आप नीचे देख सकते हैं पूरी फ्लैट बेड है। तो हम लोग जो है अभी जा रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं टर्न टेबल। टर्न टेबल के ऊपर से होके जाते हैं, काफ़ी रिस्की है इसके ऊपर से जाना एक्चुअली, क्योंकि मेरे नीचे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, काफ़ी रिस्की है यार ये तो। मैं यहाँ चलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा वहाँ की बजाय। और आपके सामने आ गया WDM4। WDM4 हावड़ा राजधानी में लगने वाला पहले का डीजल लोकोमोटिव है, जब वो ट्रेन इसके साथ चलाई जाती थी। पाजी मैंने ठीक कहा ना, बिल्कुल 120 kmph, एशिया की फर्स्ट ट्रेन। क्या? एशिया की पहली ट्रेन थी जो 120 kmph करती थी उस टाइम पे, जब हावड़ा राज चली थी। हाँ, WDM4 मुगल सराय शेड। तो ये हमारे रेल फैन साहब हैं जो काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। गाइस अगर कुछ रॉन्ग होगा तो प्लीज कमेंट कर देना और बता दे। चैनल का नाम क्या है? शुभम कुमार। और सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को। नहीं मैं तुम्हारे की बात कर रहा हूं। मेरे चैनल का नाम है अभिषेक अट्टा, मेरे नाम से। सो मेरे पीछे आप देख रहे हो जो मैंने अभी आपको लोकोमोटिव दिखाया था, दिस इज मुगल सराय WDM4। एंड इस लोकोमोटिव को अगर आपने नहीं देखा तो फ्रंट से, मतलब कितना भी देख लो, अगर आपने इसका फ्रंट नहीं देखा तो कुछ नहीं। और गाइज ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है DHR, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का लोकोमोटिव, ठीक है। ये लोकोमोटिव चलता है, अभी अभी मैंने आपको ट्रेन डॉक्स में पीछे अपडेट भी दिया था कि ये लोकोमोटिव की इवनिंग सर्विस भी स्टार्ट हो गई है। और अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें, एक MPS बोर्ड भी गिवन है यहाँ पे आपको, ये देखिए, ये एक MPS बोर्ड है। तो ये कहता है कि इस लाइन पे ड्राइवर 5 की स्पीड से तेज नहीं जा सकता। And this is known as, and this is, these are known as the kilometer boards. और locomotive से मिलवाता हूँ आपको यहाँ पे, मेरे पीछे यहाँ पे है ऊटी वाली जो ट्रेन चलती है, ऊटी में हिल ट्रेन चलती है, उसका जो स्टीम लोको का रेप्लिका है वो है ये। सो दिस इज एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे अच्छी बात जो मुझे नेशनल रेलवे म्यूजियम की लगती है वो ये कि यहाँ पे इंडिया में जितनी ट्रेनें चलती हैं हर एक का रेप्लिका अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई खराब हो गया है या वो बेकार हो गया है, रेप्लिका हर चीज का है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैं एक मॉडल ट्रेन। एक्चुअली ये जो मॉडल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, कंप्लीट जो मॉडल दे रखा है, इसमें चेन्नई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, लखनऊ चारबाग, लोटस टेम्पल, ठीक है, और ये अपना पुरानी दिल्ली, ये पुरानी दिल्ली, सब कवर करा हुआ है सब। और जो अजीब बात मुझे ये लगी, इसके अंदर जो लोकोमोटिव, जो रेक्स मतलब कोचेज जो दे रखे हैं वो एक्चुअली इंडियन रेलवे में है ही नहीं। एंड ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अनदर टॉय ट्रेन। इतना बड़ा रेल फैन मैं नहीं हूँ कि ये सब बातें आपको बता सकूँ, तो ये मुझे नहीं पता क्या है, बट द थिंग इज जो भी है बहुत अच्छा है। थोड़ी सी और आगे दिखाता हूँ आपको। हम आ खड़े हुए हैं एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा ठीक से। ये एक रेलवे क्रॉसिंग है, वो फ्लैप्स हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। टेल यू कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की रेलवेज क्यों हैं, यहाँ इंडियन रेलवेज क्यों नहीं है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये YCG है, साउथ इंडियन रेलवेज का, ठीक है, वो SRR का था,
एक्चुअली पहले के जमाने में इंडियन रेलवे टुकड़ों में बटा हुआ था, मतलब जितनी स्टेट्स उनकी उतनी उतनी रेलवे। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जो एक फैसला लिया गया कि इन सब को कंबाइन करते हैं और इंडियन रेलवे नाम की एक चीज को बनाते हैं, तो ये इंडियन रेलवे हो गया। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यार जरूर से इस पर अपना प्यार बरसा देना, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छे लगे तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स लाने की। सो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। लाइक इस वीडियो को आपको पसंद आई है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभम पास एनी कॉम टूडे। थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।